हेलो प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 6 जो कि आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, चंपा वेंट टू अ सेल। चंपा क्या करती है, जो सेल लगा हुआ होता है ना, कभी कभी आता है गर्मी के सीजन में कोट बेचने आ जाता है ना, ठंडे के सीजन में टी शर्ट बेचने के लिए आ जाता है, तो वही सेल जो है लगा हुआ है टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट। क्या होती है कि वो सेल में जाती है क्या क्या करने के लिए, कुछ पैंट्स को और स्कर्ट्स को खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए। व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क हर हाउ मेनी ऑफ ईच सी हैड बाउट, सी आंसर्ड आंसर देती है, क्या क्या आंसर देती है, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। नहीं समझ में आया, चलिए सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट क्या करेंगे, एक स्कर्ट्स है और दूसरा हमारा पैंट्स है, तो हम लोग को लेट सपोज करना है, लेट द नंबर ऑफ पैंट्स, नंबर ऑफ पैंट्स इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, नंबर ऑफ पैंट्स कितना है, एक्स है, एंड एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स इक्वल्स टू वाई, इतना हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे ATQ। क्या लिखेंगे, ATQ, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या दिया है, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, थर्ड लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, यानी कि जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स है, यानी कि वाई जो है वो क्या है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ पैंट्स, मतलब इसके ट्वाइस है, दो कम है ना, नंबर ऑफ पैंट्स के डबल से दो कम है। उसके साथ साथ यहां से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, क्या इक्वेशन बना सकते हैं, इसको पकड़ के इधर लाते हैं, दैट इज 2x-2 इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाते हैं वाई। अब वाई को पकड़ के इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x-y इक्वल्स टू, माइनस में इधर गया तो प्लस में, इसको इक्वेशन सेकेंड बना लिया, एंड 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 इसके बेसिस पे अब नेक्स्ट हमें कुछ आगे दिया हुआ है, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, नंबर ऑफ स्कर्ट्स जो है, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज फोर लेस देन फोर टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पैंट्स, यानी कि नंबर ऑफ पैंट्स के फोर टाइम्स से फोर कम है। तो यहां से अगेन इक्वेशन बना लेंगे, इसका कान पकड़ के इधर लाएंगे, दैट इज 4x-4 इक्वल्स टू वाई, और वाई को पकड़ के इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4x-y इक्वल्स टू, माइनस इधर गया तो प्लस में, यही हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, समझ गया इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड कैसे बना। अब हम लोग क्या बनाते हैं, डब्बा बनाते हैं, तो चलिए डब्बा बनाते हैं, इसमें हो गया हमारा एक्स और इसमें हो गया हमारा वाई, इसके लिए भी एक डब्बा बनेगा हमारा, इसके लिए भी एक डब्बा बनेगा, ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग ले चलते हैं, इस इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन है हमारे पास 2x-y इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 2, वाई को उधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 2x, इस इक्वेशन में चल रहा है, पहले वाले इक्वेशन में, पहला वाला इक्वेशन के लिए डब्बा ये है, दूसरे वाले इक्वेशन के लिए डब्बा हमारे पास यहाँ पे है, तो पहले वाले इक्वेशन को हमने यहाँ लिख लिया, तो 2x इक्वल्स टू 2 और इधर से आ गया प्लस वाई, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 2 प्लस वाई, और मल्टीप्लाई में इतना है तो डिवाइड में, वाई का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2+0 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2/2 कितना आएगा 1, तो हमने एक्स का वैल्यू लिख लिया कितना 1। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, अब हम लोग कुछ और वैल्यू पुट कर लेते हैं, लाइक 2 पुट कर लेते हैं, 1 पुट करेंगे तो फिर 1.5 के आसपास आपको देखने को मिला, 2 पुट कर लेते हैं तो वाई का वैल्यू हमने 2 पुट कर लिया, तो 2+2 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2, तो हमारे क्या आया 2 आया। ठीक है, तो एक तो हमारा बॉक्सेस कंप्लीट हो गया, अब हमें दूसरा बॉक्स का बनाना है, तो चलिए दूसरे बॉक्स को बनाते हैं, इसे आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर यहां पे देखिए दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4x-y इक्वल्स टू 4, 4x-y इक्वल्स टू 4, किसी को इधर रखते हैं, लेट अस सपोज y को इधर रखते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, -y इक्वल्स टू 4-4x, 4-4x, माइनस कॉमन ले ले तो y इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस कॉमन लेने के बाद माइनस वाला प्लस बन जाएगा और प्लस वाला माइनस बन जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि हमारे पास y इक्वल्स टू कितना आया, 4x-4, 4x-4। अब हम लोग x का वैल्यू 0 ले लेंगे, x का वैल्यू हम लोग 0 ले लिए तो हमारे पास y कितना आएगा, सारा का सारा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट इज y इक्वल्स टू -4, y इक्वल्स टू -4 आ गया। एक और वैल्यू ले लेते हैं, लाइक हम लोग ले लेते हैं x इक्वल्स टू 1, है ना, x इक्वल्स टू हम लोग कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 4x है ना, चलिए 4x, तो y को x इक्वल्स टू हम लोग ले लेते हैं 1, x इक्वल्स टू हम लोग ले लिया 1, तो 4 1 जा 4 -4, दैट इज 4-4 और 4-4 कितना होता है, 0,
फोर माइनस फोर कितना होता है जीरो, तो दो बॉक्सेस हमारा बन गया है। चलिए इसके बेसिस पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हमने एज यूजुअल ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ग्राफ मतलब एक्चुअली में ग्राफ नहीं ड्रॉ किया है, एक्स और वाई एक्सेस हमने ड्रॉ कर लिया है, बस हमें इस पर ग्राफ बनाना है। एक्स का वैल्यू कितना है, वन, तो एक्स का वैल्यू वन यहाँ पे होगा, वाई जीरो है, मतलब यही पॉइंट होगा एक्स का वन और वाई का यहाँ पे जीरो होता है। डेट इज हमारे पास एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट हमें यहां मिला। फिर कितना है, एक्स का दो वाई का दो, एक्स का दो वाई का दो, मतलब इसके ऊपर इसके सामने लाइक यहाँ पे ऐसे बनेगा। तो हम लोग ऐसे लाइन लाएंगे, आप स्केल के थ्रू करोगे, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत खतरनाक खतरनाक लाइन आपको देखने को मिल सकती है, स्केल के थ्रू हम लोग नहीं कर रहे ना, तो लेकिन ऐसा ही लाइन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पॉइंट्स लिख रहे हैं हम लोग, पॉइंट कौन सा है, टू कॉमा टू, और ए पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट है हमारा कौन सा है, कौन सा पॉइंट है जल्दी बताओ, कौन सा पॉइंट है, वन कॉमा जीरो है ना, वन कॉमा जीरो, वन कॉमा जीरो, ठीक है। इक्वेशन लिख लें, इक्वेशन कौन सा है, इक्वेशन हमने लिखा टू एक्स, कैसे लिख दें यार, टू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू टू, इक्वल्स टू टू, ठीक है। अब दूसरे वाले पे चलते हैं, एक्स एक्स का वैल्यू कितना है जीरो, वाई का वैल्यू है माइनस फोर, तो नीचे में है, नीचे में माइनस आएगा ना वैल्यू, ये कौन सा पॉइंट हो गया, ए पॉइंट हो गया हमारा माइनस फोर कॉमा जीरो, माइनस फोर कॉमा जीरो। अब एक्स का वैल्यू कितना है वन और वाई का वैल्यू कितना है जीरो, वन जीरो वन जीरो, मतलब यही पॉइंट है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से हमें मिला देना है ना, ऐसे, और ए चला जाएगा हमारा ऐसे, ऐसे चला जाएगा हमारा। तो जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट कौन सा है, तो जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो है हमारा वन कॉमा जीरो, और आपको पता है कि फर्स्ट वैल्यू एक्स का होता है और दूसरा वैल्यू जो होता है वाई का होता है, फर्स्ट वैल्यू एक्स का होता है दूसरा वाई का होता है, इसका मतलब वो पैंट कितना खरीदेगी, एक पैंट खरीदेगी। और स्कर्ट लेने लड़की लोग को तो जानते हैं ना, स्कर्ट लेने गई बस देख कर आ गई, कोई स्कर्ट नहीं खरीदी, जीरो स्कर्ट खरीदी है, ठीक है। और यही हो गया हमारा आंसर। ऐसा मैं मजाक कर रहा हूँ यार, कोई सीरियस नहीं, नहीं ले लेगा और लड़की लोग का मजाक उड़ा देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके क्लास में ऐसे कुछ लोग हैं तो उनको बिल्कुल शेयर कीजिएगा, जो केवल जाते हैं मॉल स्कर्ट देखने के लिए, शर्ट देखने के लिए, पैंट देखने के लिए, और बस ऐसे ही मुंह उठा के चले जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगेन एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।